नमस्कार प्यारे भाई बहनों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम लास्ट में बात कर रहे थे कॉमन नेम एसिड के अंदर। हमने देखा कॉमन नेम में ईक एसिड सफिक्स लगाना होता है ना। एसिड के अंदर हमने देखा अगर कॉमन नेम करना है तो जसपाल सिंह नहीं दिख रहे, बेमार हो गए। चलो ओके, तो अभी ध्यान रखना है कि एसिड के अंदर हमें ईक एसिड जो है सफिक्स लगाना होता है। अभी अल्डिहाइड के अंदर मैंने कल आपको सिखाया था, अल्डिहाइड का अल्डिहाइड सफिक्स लगता है और वो आपका सप्लीमेंट्री के अंदर 0.75 लेस हो रहा है, वो उस हिसाब से गिन लेना 15 या कुछ ऐसी सप्लीमेंट्री आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। और नहीं चाहिए होगी तो उसके पैसे आपको मैं दे दूँगा, और वो भी दर्शन सिंह बाबू की वजह से। उन्होंने मेरे को बताया कि सर ये इतने की, ये इतने की, फिर मैं उसको मिलने गया था रात को स्टेशनरी वाले, उस स्टेशनरी पर भी गया और रात को पालनपुर भी जाके आया मैं। एक बार दो दिन फैकल्टी है लेकिन अभी लोचा क्या, मैं राम में से भी ला दूँ फैकल्टी तो, लेकिन सच बोलूँ मैं को ट्रस्ट नहीं है इतना ज़्यादा। मैं बोलूँ ना फोन कर दूँ ना डीके भी बीके भी किसी को भी गैलोस कर वैलोस कर दूँ, वो राम छोड़ के आ जाए, लेकिन बात यह है कि मेरा फिक्स नहीं होगा तो फिर दूसरे को कैसे बोल दूँ। बात यह है कि जो भी अच्छी फैकल्टी होगी वो कुछ चीज़ें सह नहीं करेंगी, मतलब आप ऐसे आके बोलोगे भाई ये बंद कर दें ये चालू कर दें, अच्छी फैकल्टी कोई सहेगी नहीं। पता है उसको मैं जहाँ खड़ा रह जाऊँगा लाइन वाइन से शुरू होगी वो क्यों सहे, कुछ चीज़ें वो सही नहीं, मतलब सही ना है कुछ भी ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसे आप बेइज्जत कर दो भरी सफा में उसको, वो सब सही नहीं करे कोई, मतलब फिर कुछ बातें होती है, मतलब ठीक है चलो यहाँ तक ठीक है, फिर हर बात पे मतलब आई सर वो सर यस सर तो वो नहीं करते। चलो मैं तो नेचर ऐसा ही करता हूँ, सब नहीं करते, और मेरे को ऐसा है भी नहीं कि नहीं करना। मैं क्या मतलब ईगो भी को लेके घूमता नहीं हूँ, जनरली क्या होता है कि जो फैकल्टी के पास नॉलेज ज़्यादा होता है ना उसको उस लेवल से ईगो भी होता है, अपना ऐसे है नहीं कुछ, खाली क्या है बच्चों जाकर खेलना फिरना मजा करनी है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ऐसे ही चले जाना है तो फिर ये वो आएगा। लेकिन अब सब फैकल्टी ऐसे आएगी तो नहीं, थोड़ा उसको मेंटेन करना पड़ता है, समझ गए कि नहीं कुछ। अब हमें देखना है एलईडी के बारे में, इसके बारे में इसलिए क्या आराम में जब बोल दूँ तो वो छोड़ दो दे जाओ, लेकिन अब यहाँ तो कोई मतलब फिक्स तो है नहीं कितने साल निकालने, कभी भी मतलब ऐसा हो जाए अपन नीचे किसी कारण से बिना मतलब के, कोई आगे अगर कान में कुछ बात गिरा दे तो भी, तो फिर वो अगर उसको जाना पड़े तो वो राम को छोड़ के आएगा तो जाएगा कहाँ, और दूसरा किसी की ताकत नहीं इतना पैकेज दे उसके लेवल के हिसाब से, इसीलिए बाकी भी क्या है विद्या मंदिर में चढ़ी के भी राम में गया है फोन कर लूँगा वो यहाँ आ जाएगा, इतनी हो जाएगी साहब अपने दोस्त की है सब, अभी बात बात करनी हो तो बोलता नहीं है कभी जाने पूछते सफीन भी अपना दोस्त है ना, अपना क्या है जरूर नहीं कभी नहीं जाने का। चलो अभी यहाँ पर ध्यान रखना है एल्डिहाइड है ना सी एच ओ है बराबर, तो एल्डिहाइड के नाम में एल्डिहाइड लगेगा, क्या लगेगा मतलब एल्डिहाइड के कॉमन नेम में एल्डिहाइड लगाना है बस, एल्डिहाइड के कॉमन नेम में एल्डिहाइड लगाना है, एल्डिहाइड के कॉमन नेम में क्या लगाना है बस खत्म है। हाँ कर दो एल कॉमन नेम में एल आई लगा कुछ नहीं, इसको ऊपर करते ऐसा हो तो थोड़ा नहीं आगे एल आई डी कॉमन नेम में क्या लगाना है बराबर, अब कोई नहीं तो सीखने मिला नया। अच्छा तो ध्यान रखना है कि एल आई डी कॉमन नेम में क्या लगाना है एल आई डी, मान लो मान लिया सी एच थ्री सी एच ओ, अब ये तो है सी एच ओ, चलो इसको दबा दे तो ये क्या है एसिड, ये क्या है एसिड, ये बनेगा एसिड चार्जिएट, क्या बनेगा एसिड चार्जिएट। देखो हमें कंडीशन याद रखनी है, हमें कंडीशन याद रखनी है उसके बाद सिर्फ एल्डिहाइड लगाना है कंडीशन पहचान के, है ना सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच ओ। अभी है ना मतलब आपको लगेगा सर आप तो सी एच ओ लिख रहे हो और आपने तो हमें ये सिखाया था कि सी ओ, एक्चुअली मैंने आपको ये सिखाया था सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। अब अगर सी एच ओ भी है, अगर सी एच ओ भी है तो इसका एक्चुअल मॉडल अगर बनाने जाए तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्या इसका ये नहीं बन सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर सी ओ है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो वो हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर सी ओ है ही, समझे कि नहीं।
इसके अंदर सीओ है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ध्यान है सी एच थ्री सी एच ओ एच और ये क्या हो गया है सी एच ओ। चलो कंडीशन को पहचानो, अगर यहाँ पे सी ओ है और ये ओ एच है तो ये कौन सी कंडीशन है? दिस कंडीशन इज लैक्टा, तो ये बनेगा लैक्टाल्डिहाइड। क्या बनेगा सर? आप तो लैक्टिक एसिड बोल रहे थे, आज बोल रहे हो लैक्टाल्डिहाइड। देखो लैक्टिक एसिड कब बोलना है? जब कौन सा बोल रहा हो सी डबल ओ एच, तब हमें ई के एसिड सफिक्स यूज करना है। लेकिन जब सी एच ओ ग्रुप लगाए तो एल्डिहाइड यूज करना है। तो दिस इज लैक्टाल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? लैक्टाल्डिहाइड, लैक्टाल्डिहाइड। क्लियर? मैं एक दो दिन देख रहा हूँ, अगर मैं 7 बजे नहीं आ पाऊंगा तो फिर मैं आपका क्लास ये जो है वो आप खाना कितने बजे खा के नीचे आते हो? क्योंकि मैं पता है मेरे को, मैं रोज लेट होता हूँ। अरे खाना खा के कितने बजे नीचे आते हो? दोपहर। दोपहर को? हाँ दोपहर को लेके जाऊंगा मैं। दो मैं वापस पीछा जा रहा हूँ, खाने का नहीं ले रहा। 130 आता ना, तो 130 से 230 लूँगा मैं ये क्लास पे। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी है अपने पास, बराबर। और मैं खाना खा के नहीं बाद भी क्लास लूँगा, नींद नहीं आने लूँगा, बराबर। वो आएगी तो पहले मैं अपनी तरफ से कपिल शर्मा बन के ट्राई करूँगा, फिर भी आ रही है तो सिम्बा बन जाऊँगा, उसके बाद तो नहीं आएगी। क्लियर है? दो ट्राई रहेंगे, पहला ट्राई होगा रूल वन, कपिल शर्मा बन के आप नींद ना ले, वैसा पूरा ट्राई करें हम। अगर कपिल शर्मा से काम नहीं हो रहा है देन आफ्टर सिम्बा है। चलो फिर तो नहीं आएंगे आप, मतलब उसके बाद 2:30 बजे के बाद भी सोने जाओगे ऐसा लगे चलो कुछ पढ़ लेते, नहीं सोना है तो कल आएगा सिम्बा, लोचा हो जाएगा। चलो समझ गए, तो ये करना पड़ेगा। मुझे मैं वापस पीछा जा रहा हूँ, मतलब आज सामान वामान सब पैक करके, वो मैं मम्मी की नहीं हो रही है सेट भाई, बराबर। और मेरे लिए मम्मी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी, और उसका सेट नहीं हो रहा है। बात रही डाउट की, तो डाउट के लिए मैं सुबह आऊँगा, मतलब मैं आऊँगा 7 बजे ही। मान लो मैं 7 बजे आ गया तो आप मुझे डाउट पूछ लेने 7 से 8 में, कितने भी बजे आए, जितने बजे आए उतने बजे डाउट पूछने के चालू। और जाऊँगा 2:30 बजे, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, आने में ही प्रॉब्लम है सुबह खाली, समझ गए। कुछ हर एक साइंटिस्ट की लिमिटेशन होती है, नहीं हम ओवर पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ पावर्स। ऐसे आप सागर को पढ़े तो लिमिटेशन ऑफ सागर, अर्ली मॉर्निंग सागर कैन नॉट, समझ गए। हाँ अब रात को मैं तो चाहे कितने बजे बिठा दूँ, पूरी रात बिठा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हाथ जोड़ेंगे? प्रथम मैं ब्रिज से हाथ जोड़ दो शायद समझ में आ गया। अल्लेड का बेटा, अल्लेड में क्या लगाएंगे? अल्लेड एमआईड के कॉमन नेम में एमआईड लगा, एमआईड के कॉमन नेम में एमआईड लगाना है। चलो इसका नाम जो बनाएगा है ना, 5 रुपए रोकड़े, जरूरत पड़े तो न लगा देने का है। सक्सी एमाइड अच्छा नहीं लगे, सक्सेनामाइड न आप लगा सकते हो, कहीं पे भी जरूरत पड़े न लगा सकते हो, मतलब ए नहीं लगा सकते हो आप, है ना। वो नहीं बोल देना उसको, ना को अन्ना को नहीं बोलेंगे सक्सेनामाइड। हाँ तो अच्छे जा रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सक्सेनामाइड सागर मुद्रा, लेकिन मैं ऐसे खड़ा रहे हूँ, मतलब ऐसे कुछ करके
तो ये तो श्री कृष्ण मुद्रा हो है कि नहीं, समझेगी नहीं, और मैं ऐसे खड़ा रह जाऊँ तो ये बाबा रामदेव मुद्रा हो गई है कि नहीं, समझ। तो मतलब यही सब कुछ होता है, बराबर मैं ऐसे खड़ा रह जाऊँ, हाँ समझ गए ना आप, तो ये सबकी मुद्राएं होती है, मैं ऐसे हाँ समझ गए ना, तो अलग अलग मुद्राएं है, वैसे ये कंडीशंस है कि भाई इसको सैली सैला कहते हैं, फिर इसके पीछे क्या लगाना वो हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब हमारा भी ग्रुप का पर्सनल प्रॉब्लम है कि उसके पीछे क्या लगेगा, अगर सी ओ एल एच है तो एम आइड लगेगा, सी एच ओ है तो अल्डिहाइड लगेगा, अगर सी डब्ल्यू एच है तो ई कैसे, हमें क्या सीखना होता है, कंडीशन सीखनी होती है, और किस ग्रुप के पीछे क्या लग रहा है वो सीखना होता है, फिर कॉमन नेम खत्म हो जाता है इतना करने से, समझे कि नहीं, बात दिमाग में बैठती है कि नहीं, बस इतना ही वही देखा था, फिर हमें यह सीखना पड़ता है, मतलब ये मतलब एसिड में क्या होता है, ईक एसिड अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड और एमाइड में, एमाइड हो गया, चलो इसका नाम रहता है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, फोर में वाइट खतरे के लिए ताजा हो जाएगा, फोर में वाइट, अच्छा ये लगा आंसर में खतरे ने लिया, आंसर तो आने वाला ही था क्लास में से, क्योंकि अब आप मेंटली प्रिपेयर होने लगे हो पढ़ने के लिए, लेकिन खुशी तो बात की है कि आंसर खतरे ने दिया है ना, वेरी गुड, देखो सब कुछ आएगा अगर ध्यान दे के पढ़ोगे, कुछ कठिन नहीं है इस दुनिया में, है ना, इसको समझाना कठिन है खाली, किसको, इसको, बाकी सब इजी होता है, अगर ये एक बार समझ गया ना फिर सब इजी है, ये नहीं समझता बस प्रॉब्लम वही होती है, फोर में माइंड है, क्या है फोर में, देखो इसको दबा दो आप, ये फॉर्म है और एमाइंड भी यही है, फोर में माइंड समझ गए, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच ओ, आपका ग्रास्पिंग अच्छा लगा मेरे को, मतलब एकदम एक नंबर ग्रास्पिंग, आपकी जैसे मेरा होता दिमाग में आई एस करता, सही में मेरा ग्रास्पिंग इतना अच्छा नहीं है, पर सीधे है तो इसको गिनना है, सीधी बात में इसको साथ लेना है, आज तक के साथ सीधी बात, उसमें अल्डिहाइड भी साथ, बराबर, चलो एक दो तीन चार पाँच है, पांच कार्बन होगा, वैलर रहता है इसको, वो वैलर के पीछे अल्डिहाइड लगेगा, ये बन जाएगा वैलराल्डिहाइड, क्या बन जाएगा वैलराल्डिहाइड, समझ गए, तो ये बनेगा वैलराल्डिहाइड, क्या बनेगा वैलराल्डिहाइड, तो इजी है एकदम वैलराल्डिहाइड, बराबर, ठीक है, ये वैलर का बन जाएगा क्या वैलराल्डिहाइड, बराबर, और एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा आपकी भी कंप्लेन है, आप लोग फैकल्टीज को बिगाड़ते ज़्यादा हो, ये एक सत्य है, आप फैकल्टीज को बिगाड़ते ज़्यादा, देखो मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में अच्छी फैकल्टी आ जाएगी, बाहर से ला देंगे, लेकिन आप उस फैकल्टी को ऐसा नहीं दिखाना है उसको कि यहाँ कोई अच्छी फैकल्टी नहीं थी ना, आप ही आए हैं, हमने तो बहुत ट्राई मारे हैं, आपके जैसे कोई नहीं है, आप ही हो शायद, फिर वो क्या फॉर्म में आएगी, मतलब मेरे को भी ऐसे फॉर्म में लाया आपने, केतन सर को भी ऐसे फॉर्म में लाया, फिर क्या फॉर्म में आने के बाद वो क्या करते हैं कि एम डी सर की रिस्पेक्ट कम कर देते हैं, फिर एम डी सर ये नहीं समझते कि फैकल्टी लेवल की है, फिर वो क्या सोचेंगे कि प्राइमरी वाली जितनी रिस्पेक्ट देती है इतनी ये क्यों नहीं देते, समझ गए कि नहीं, ऐसा नहीं एम डी सर को हमारा, लेकिन सब जगह एक जैसा ही होता है, मेरा तो सब जगह एक जैसा है, क्योंकि मैं तो 7-8 साल से इस फील्ड में हूँ, चलो कहते हैं नए हैं तो उनका प्लस माइनस हो सकता है नेचर, और मैं क्या फैकल्टी हुई नहीं पहली बार, मैं सिर्फ एक आप इंसान हूँ, वैसे फैकल्टी में गए ही नहीं, तो पढ़ना तो क्या, मतलब यहाँ भी अपना भाव ही रखता मैं, तो होता ही सेटिंग नहीं बैठता, आएगी फैकल्टी तो आप उसको ज़्यादा छने के झाड़ पे मत चढ़ा देना कि सर आप भी हो, आपके सिवा कुछ नहीं इस दुनिया में, बस आपने आके हमें तार दिया, ऐसा सब करोगे तो उनको क्या लगेगा, इनको गरज है, सब एक जैसे नहीं होते, देखो मेरे को पता था कि आपको मेरी गरज है,
फिर भी मैंने मेरा ओरिजिनल पैकेज नहीं दिया यहाँ पे। मैं देख लिया पूरा कैलकुलेशन करके कि इतने बच्चे हैं, इतने पैसे आएंगे, इतने मिलेंगे, इतने सर को मिलने चाहिए तो इतने मुझे भी मिलने चाहिए, तो मैंने नॉर्मल पैकेज दिया। मेरा एकदम बेसिक जो प्लान वन था वही। हाँ, ऐसा नहीं मैं प्लान टू नहीं देने वाला, लेकिन मैं दूंगा, लेकिन अपने दम पे, मतलब अपने अपने सबके दम पे, स्ट्रेंथ करना करने के बाद हम सब मिलके मेहनत करेंगे, रॉयल के नाम करेंगे, स्ट्रेंथ होगा उसके बाद, समझे, उसके बाद जो भी हो। अब फैकल्टी आएगी, आप लोग उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दोगे और उसको भी ये पता चल जाएगा कि हाँ उसके जैसा और कोई है नहीं, फिर वो अपनी मतलब चलाएगा। वैसा होने देना नहीं, मन में जानना है कि अच्छी है और रिस्पेक्ट अच्छी रखनी है, तो उसको इतना चढ़ा नहीं देना है कि बस तुम ही हो। देखो सब नहीं चढ़ते, लेकिन कुछ चढ़ जाते। अब मेरे को कितना भी चढ़ा दो, तुम ही हो, तुम ही हो, मैं चढ़ूंगा नहीं आपके ऊपर, मतलब ऐसा नहीं करूँगा कि ना मैं गरज माया तो लो ले लो बेटा, क्यों नहीं कर हम जाएगी नहीं, तो कुछ कर देंगे। मैं नहीं बोल रहा ऐसे ही आएंगे, लेकिन ऐसे आ सकते हैं, आप खुद ही सोचो ना। अब आपको भी बताओ कि आपकी बीवी के पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके साथ रहने के अलावा, फिर आप पति बन जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि उसके बाद ढेर सारे ऑप्शन है, वो खुद के दम पे खड़ी रह सकती है, अपना काम खुद कर सकती है, कमा के खा सकती है, तो आप नॉर्मल पति रहेंगे फिर, पति पति नहीं, समझ गए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आपकी भी ये गलती है, बुरी लगी होगी सुन के आपको, लेकिन है, समझ गए। तो थोड़ा इसको मेंटेन करना, मैं ये नहीं कहता कि कुछ करना ही, प्यार देते रहना, लेकिन चढ़ाना नहीं है। अच्छा सर, आप भी जैसे भी, आप आगे वाले सर भी आपके जैसे ही थे, नेचर आपका अच्छा है, नॉलेज में तो वो भी आपके जैसे, तो क्या वो चढ़े नहीं जा रहा था मेरा, फिर वो मैं ही नॉलेज है, मैं ही सब कुछ हूँ, फिर वो बोला कि सब मैं ही लूँगा आपको, आप सब साइड, ऐसा होता है भाई। साहब ने कोई रेवा देवा ना कि नहीं कंकड़िया, फिर सेवा करावानी। मैं सोचता हूँ, सबका सोचता रहता है, ऐसे नहीं मैं अकेले के सोचता हूँ, आप मुझे लगता होगा आदमी है कुछ सोच सोच करें, चलिए आपको नहीं सबको, चलिए सैली सैलाम बराबर हो गया। मैं बहुत सपनों के साथ याद जुड़ा हूँ, रोज जैसे मतलब रहेगा भैया उस हिसाब से मैं सच करूँगा उनको, बाकी मैं जो भी सपने देखता हूँ सच करके रहता हूँ। हाँ टाइम लगता है 10 साल मेरे सपनों को सच होने में, और मिनिमम 10 साल तो मैं लेके ही चलता हूँ। हो गया ये CH3 C-2 CH4H CH4H और ये C-2। टार्ट्रामाइट कंडीशन टार्ट्रामाइट लगाना क्या बन जाएगा, टार्ट्रामाइट क्या बन जाएगा, टार्ट्रामाइट। देखो लिख लिख मत करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, आपको लिखना क्या था, कंडीशन एसिड में ईक एसिड, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड, एमाइड में एमाइड। अब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वो भी लिख रहे हो, मजदूरी क्यों कर रहे हो यार, स्मार्ट वर्क करो। कंडीशन पता है, एसिड में ईक एसिड लगाना समझ में आ गया, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड लगाना समझ में आ गया, एमाइड में एमाइड लगाना। हाँ तो जो कंडीशन है उसके पीछे लगाना है, खाली सुनो लिख क्या रहे हो सब। हाँ लिखना है तो लिखो, अगर शौक ही ऐसा ऐसे डिजीज हो गई है तो फिर चलो ठीक है, ऐसी कर लो एच, उन्हें भी ऐसी कर लो टार्ट्रिक एसिड, क्या हो गया टार्ट्रिक एसिड, समझ में आया क्या हो गया टार्ट्रिक एसिड, इजी है कि नहीं, टार्ट्रिक एसिड बराबर। चलो कंप्लीट है, और तो क्या दूँ मैं आपको, क्या ये थैलिक एसिड, देखो कंडीशन थैला था उसके पीछे ही एसिड लगेगा, थैलिक एसिड क्या बनेगा, थैलिक एसिड क्या होगा, यहाँ से मतलब OH निकले, यहाँ से H निकले, यहाँ से क्या निकले OH वाले, यहाँ से H, तो ये क्या बन जाएगा बताओ मैं आपको, ऐसा बनेगा C-O-O, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
ना एक ही बात बराबर ये थैली क्या नाइट्रेट क्या थैली एनहाइड्रेट ग्रुप पता है कि नहीं ऐसा फंक्शनल ग्रुप आता है जिसको एनहाइड्रेट बोलते हैं क्या बोलते हैं ये कंडीशन थैला है और ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो एनहाइड्रेट ग्रुप है कौन सा इसका नाम बन जाएगा थैली एनहाइड्रेट क्या बन जाएगा समझे कि नहीं एनहाइड्रेट ग्रुप ही नहीं पता होगा मतलब ऐसा कोई नाम ही नहीं है यार कि फॉर्मिक एनहाइड्रेट ऐसा कुछ पढ़ने में नोट्स चेक करना आपने पुरानी 11th की एनहाइड्रेट ग्रुप ही नहीं है क्या आया था अरे मैं बोलो याद नहीं था ठीक है अब तो याद आया कि नहीं याद नहीं था वो तो चलो नहीं होगा याद तो कितने दिन से हमने देखा नहीं लेकिन पढ़ाया था कि नहीं वो पूछ रहा लिखा अरे लिखा ही होता है उसमें कोई खबला है कि थोड़ी वो ऐसे एनहाइड्रेट ला के खिलाएंगे थोड़ी वो तो लिखा है कि खाली हाँ तो लिखा है तो था इसका मतलब पढ़ा ही होगा ऐसे ही थोड़ी वो आदमी लिखा के चला जाएगा है एनहाइड्रेट क्या है समझ ये थैली क्या एनहाइड्रेट चलो दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ चीज सुनी हुई है कि नहीं बस इतना ही पूछ रहा हूँ बाकी आपको आती है कि नहीं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा उसके ऊपर आदत ही नहीं है मेरी मैं कभी आगे आपसे कुछ पूछा कि कितना आता है लिखा हुआ ऐसे पता है सब अपने जैसे ही CHO हारुच